फ्रेंड नमस्कार, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने जा रही है। दोस्तों कभी कभी ये होता है, तमाम ऐसे यूट्यूबर के जो खासकर नए यूट्यूबर होते हैं वो अपने चैनल पर मिस्टेक गलती कर देते हैं, जो कि मैंने अपने चैनल पर व्यक्तिगत किया है गलती। तो दोस्तों मैं लगभग एक साल से मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं 10 से 20 व्यूज या 30-20 या 100 व्यूज ऐसे आ रहा है। दोस्तों ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिनके चैनल पर 10 से 20 व्यूज आ रहे हैं। दोस्तों ये नॉलेज आपको बड़े बड़े यूट्यूबर नहीं देंगे। दोस्तों ये बड़े बड़े यूट्यूबर ये इस तरह से निचोड़ आपको नहीं बताएंगे। ये दोस्तों वो बड़े यूट्यूबर चाहते हैं कि छोटे यूट्यूबर आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि अगर वो आगे बढ़ जाएंगे तो हमारी वीडियो देखना बंद कर देंगे, उनका चैनल कैसे ग्रोथ करे। दोस्तों आपने तमाम ऐसे यूट्यूबर का वीडियो देखा होगा, वो बताते हैं कि कैसे आप अगर आपके चैनल पर व्यूज़ नहीं आ रहे तो कैसे आप प्रतिदिन 1K व्यूज़ बढ़ाएं, यानी कि व्यूज़ आप बढ़ाएं, लेकिन आप वो उनकी वीडियो देख कर सारी प्रक्रिया सारा सेटिंग जो भी वो बताते हैं तो पूरा उसी को फॉलो करते हैं, लेकिन तब भी आपके चैनल पर व्यूज 10 से 20 व्यूज या 40 से 50 व्यूज इस तरह से आते हैं। तो दोस्तों जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने अपने चैनल पर गलती की है, दोस्तों आप भी दोस्तों अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं, दोस्तों अगर आप इस तरह से अगर मिस्टेक कर रहे हैं अपने चैनल पर, तो दोस्तों आज आप लोगों को पूरा निचोड़ बताऊंगा अगर मेरी तरह से दोस्तों आप भी गलती ना करें, ना ही तो आपका चैनल डेट कंडीशन में चला जाएगा। दोस्तों तो मिस्टेक नंबर 1 जो कि मैंने अपने चैनल पर किया, जैसे ये हो गया दोस्तों, शुरुआती दौर में हर कोई किसी यूट्यूबर को इनकी नॉलेज नहीं रहता, वो क्या करता है जल्दबाजी इनकी सब्सक्राइबर बढ़ाने के चक्कर में वो क्या करता है ना, वो कहीं गया यार मित्र या दोस्तों के पास गया, वो अपना चैनल सब्सक्राइब कर लिया। दोस्तों सब्सक्राइब करने से ये होता है दोस्तों अगला यार मित्र आपकी वीडियो पर इंटरेस्ट रखता है कि नहीं, आप जो जिस भी कैटेगरी पर आप वीडियो बनाते हैं उस पर इंटरेस्ट रखता है या नहीं। अगर नोटिफिकेशन जाता है तो वो बंदा आपकी वीडियो को नहीं देखेगा, क्योंकि आपके संबंधी वो यानी कि वीडियो को देखना पसंद नहीं करता। इस तरह से ही हो गया पहला मिस्टेक, इसी के कारण भी दोस्तों व्यूज भी नहीं आते हैं। दोस्तों ये तो हो गया पहला मिस्टेक, और दूसरा मिस्टेक ये हो गया दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, अगर छोटे यूट्यूबर तो नए यूट्यूबर ये होते हैं कि अपनी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं यानी कि देखने के चक्कर में उसे देखते हैं कि बाद में वीडियो सही से अपलोड हुआ है या नहीं। तो दोस्तों क्या करते हैं वो अपने ही मोबाइल खुद की वीडियो पर खुद ही वॉच करते हैं, यानी कि खुद ही मोबाइल पर अपनी वीडियो देखते हैं तो कैसे मैंने वीडियो अपलोड किया क्या। तो दोस्तों इसी के कारण भी हमारा चैनल धीरे धीरे डेड कंडीशन में चला जाता है, इसी के कारण भी हमारा यानी कि जो भी ऑडियंस जो हमारे आते हैं व्यूज भी आता है, यूट्यूब इंप्रेशन भेजना शुरू यानी कि बंद कर देता है। दोस्तों इस तरह से अगर आप मिस्टेक कर रहे हैं तो ये भी मिस्टेक ना करें। उसके बाद मिस्टेक नंबर 3 ये हो गई दोस्तों, क्या हो गया होता है जैसे कि हमने अपना वीडियो अपलोड कर दिया, उसके बाद क्या करते हैं आपके पास तमाम ऐसे ग्रुप होते हैं यार मित्र का ग्रुप होता है, आप क्या करते हैं वो ग्रुप में अपना वीडियो का लिंक शेयर करते हैं, वीडियो का लिंक शेयर करते हैं, उसके बाद सोशल मीडिया पे जाते हैं इनकी डालते, चाहे व्हाट्सएप हो गया चाहे फेसबुक हो गया, तमाम ऐसे आपको इनकी लिंक कॉपी करके अपनी वीडियो को उसके बाद ये शेयर करते हैं। ये भी दोस्तों ये गलत है, आप भी अगर इस तरह से आप अपना लिंक शेयर कर रहे हैं तो लिंक ना शेयर करें, इसी के कारण भी आपका चैनल धीरे धीरे डेड कंडीशन में चला जाता है। दोस्तों ये होता है तो जो और उसके बाद ये मिस्टेक नंबर ये हो गई, इस तरह से अगर आप मिस्टेक करें जैसे कि ये होता है दोस्तों, तमाम ऐसे यूट्यूबर होते हैं उनकी कैटेगरी तो होती है यानी कि यूट्यूब पर हर प्रकार की कैटेगरी, इंटरटेनमेंट की कैटेगरी अलग है, टीच चैनल की कैटेगरी अलग है, कॉमेडी की अलग है, अनबॉक्सिंग की अलग है, उसके बाद रोस्टिंग की अलग है, तमाम ऐसे यूट्यूब के द्वारा तमाम ऐसे कैटेगरियाँ छाँटा गया है। तो दोस्तों अगर दोस्तों ध्यान रहे जिस वीडियो पर आपको जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, जिस चीज़ आप ये कर सकें, जो भी आप ब्लॉगिंग चाहे कर सकते हैं या दे सकें, या फिर आपको कोई एजुकेशन से संबंधी है या रोस्टिंग का है या कॉमेडी आप वीडियो बनाते हैं, तो आपको डिसाइड कर लेना है मुझे किस तरह की चैनल यानी कि क्रिएट करना है, मैं किस टॉपिक पर वीडियो लॉन्ग समय तक मैं बना सकता हूं। दोस्तों ये होता है जैसे दोस्तों ये शुरुआती दौर में यानी कि तमाम ऐसे यूट्यूबर जो नए यूट्यूबर होते हैं वो क्या करते हैं 10-20 वीडियो यानी कि अपलोड कर देते हैं, जैसे कॉमेडी की 10-20 वीडियो उन्होंने अपलोड कर दिया, लेकिन उसके बाद 20 वीडियो
अपलोड करने के बाद उनके दिमाग में नहीं आता मैं कौन सी और वीडियो बनाऊँ, तो वो क्या करते हैं मिक्स कंटेंट प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं रोस्टिंग यानी कि कहीं ब्लॉगिंग का चैनल वो कहीं गए, उसके बाद ब्लॉगिंग का चैनल उसमें यानी कि ब्लॉगिंग वाली वीडियो उन्होंने अपलोड कर दिया, उसके बाद कहीं गए यानी कि उसके बाद कहीं और भी जैसे टीच का भी चैनल जो मैं टीच दे रहा हूँ इसका भी वीडियो अपलोड कर दिया, उसके बाद उसी में यानी कि मिक्स कंटेंट्स हो जाता है। उसके बाद जैसे कि आधार कार्ड कैसे डाउनलोड है, फोटो कापी यानी कि पैन कार्ड कैसे ऑनलाइन आवेदन करते हैं, ये दोस्तों वही पर ये तमाम ऐसे जो नए यूट्यूबर होते हैं वो मिक्स कंटेंट्स यानी कि प्रयोग कर देते हैं दोस्तों। यानी कि यूट्यूब का हर कैटेगरी का होता है, तो यूट्यूब उसी कैटेगरी के हिसाब से लोगों के पास यानी कि इंप्रेशन भेजता है। तो दोस्तों अगर आप अपने चैनल पर मिक्स कंटेंट्स का प्रयोग कर रहे हैं तो मिक्स कंटेंट्स का प्रयोग ना करें दोस्तों, ये नहीं तो आपका ही आपका चैनल धीरे धीरे कंडीशन यानी कि धीरे धीरे डेड कंडीशन में चला जाता है। यूट्यूब ये समझ नहीं पाता कि आपका चैनल किस कैटेगरी पर है, क्योंकि आप मिक्स कंटेंट प्रयोग कर रहे हैं, वहीं पर इंटरटेनमेंट वीडियो डाल रहे हैं, उसी पर रोस्टिंग वाली वीडियो डाल रहे हैं, उसी पर ब्लॉगिंग वाली वीडियो डाल रहे हैं, उसी पर नॉलेज भरी वीडियो डाल रहे हैं। दोस्तों अगर इस तरह की आप मिस्टेक करेंगे तो तब भी आपके चैनल धीरे धीरे डेड कंडीशन में चला जाता है दोस्तों। ये सब नॉलेज आपको बड़े यूट्यूबर नहीं देंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप लोग यानी कि आगे ना बढ़े, उनकी ही वीडियो देखें, उनका प्रवचन सुने। तो दोस्तों अगर किसी प्रकार के अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में हमसे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर सकते हैं दोस्तों। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर चैनल upi.com को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ताकि इसी तरह से लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे।